नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ हैं बहुत ही प्यारी सी एक एक्ट्रेस, जिनके बारे में मैं इंट्रोडक्शन ऐसे दूंगी कि जब ये दिखाई देती हैं तो लोगों को लगता है उफ, जब बोलती हैं इनकी आवाज सुनाई देते हैं तो ऐसा लगता है ओ गॉड कितनी साफ और क्लियर है, और जब ये एक्टिंग करती हैं तो ऐसा लगता है कि वाओ। आई थिंक क्या इंट्रोडक्शन है, मुझे मैं बहुत प्रेशर्ड फील कर रही हूँ। नथिंग लाइक दैट, बट सीरियसली आपको देख के एक तो फीलिंग बहुत पॉजिटिव आती है, एंड सेकेंड जब आप ये पॉडकास्ट भी सुनते हैं या फिर आपकी एक्टिंग भी देखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस के रूप में निखर कर आती हैं आप लोगों के सामने। शुक्रिया, थैंक यू। सो एक कोई तो एक कारण होता होगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता होगा। मतलब एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। चलिए एक बता दीजिए दर्शकों को। मेरी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली इंस्पायर करते हैं मुझे। आई थिंक बहुत सारी चीज जो हम लाइफ में डिस्कवर करते हैं, मतलब चैलेंजेस होते रहते हैं और उसके वजह से हम कुछ सीखते हैं। जब काम नहीं है, फॉर एग्जांपल, जब हमारी इंडस्ट्री में कभी कभी 6 महीने के लिए कुछ काम नहीं मिलता है जी। तो आपके लिए बहुत टाइम है सोचने के लिए, और सोचने के लिए, सीखने के लिए, या तो आप बैठ के मतलब रो सकते हैं कि अच्छा काम नहीं आ रहा है, मैं क्या करूंगी, या तो आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ नया स्किल कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो मैं थिएटर करती हूँ, उसके वजह से कुछ नाटक पिकअप करके प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि एक एक्टर कैसे बोलो, अगर आप एक म्यूजिशियन हो तो आपके इंस्ट्रूमेंट रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर आप सिंगर हो तो रोज रियाज करेंगे, बट एज एन एक्टर हम रोज काम नहीं करते हैं। अगर हम शूट पे नहीं है तो हम नहीं करते हैं अपने आप पे काम जी। तो वो मेरे लिए थिएटर वो करता है। ओह वाह, द शो मस्ट गो ऑन। यस। अच्छा, पॉडकास्ट की बात करते हैं। पहले तो ये बताइए, आपके लिए पॉडकास्ट क्या है? तो पॉडकास्ट एक मीडियम है, जैसे कि अभी OTT प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, तो पॉडकास्ट भी एक है जहाँ पे हम सिर्फ सुनते हैं, विजुअली कुछ नहीं देखते हैं। और जैसे रेडियो था पहले, और रेडियो सुनने में 2-3 फायदा था कि आप और कुछ कर सकते हो, आप कुकिंग कर सकते हो, आप आंखें बंद करके सुन सकते हो। इतना आई थिंक आज जब हम बहुत सारे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं जी, हम बहुत बिजी है, तो अच्छा है कि इन्फॉर्मेशन भी आ सकते हैं कुछ और करते हुए। हाँ, करते हुए भी, तो या तो आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैफिक में घुसे हो जी, तो बहुत अच्छी मतलब एक कुछ अच्छा एजुकेशन भी आ रहा है कान से, कान में, विदाउट एंगेजिंग फुल्ली इन दैट, यू नो। करेक्ट। ओके, इस जो इस शो को आप करती हैं, एक तो उसके लिए क्या आपको कोई प्रिपरेशन करनी पड़ती है या कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे ही पॉडकास्ट? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंकफुली मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम है BBC के साथ, इशलिन कौर और प्रभजीत बेंस मेरे लिए पूरा इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं कि इन मेरी इंटरव्यूज के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से आ रहे हैं, वो जगह के बारे में, जैसे हमने कोई किया, उसका नाम है जेनपू, वो नागालैंड से है, तो मुझे नागालैंड के बारे में काफ़ी कम पता है, तो वो रिसर्च आता है और मैं वो सब पढ़ती हूँ, उनके टेड टॉक्स देखती हूँ, उनके इंटरव्यूज देखती हूँ, जो भी वो पहले Research किया है, रिसर्च मटेरियल देखती हूँ, और फिर हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो मैं भी बहुत सीखती हूँ हर सब्जेक्ट के बारे में। एक जो मैंने इंटरव्यू किया है, नैनो टेक्नोलॉजी करता है और नैनो ट्यूब्स बनाता है, तो मेरा उसमें पहले कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, और उसके बाद मुझे समझ में आई नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और क्यों चाहिए और क्यों इतना ज़रूरी है। तो इट्स अ वेरी गुड शो फॉर मी ऑल्सो। सर्टनली, सुन के मैं ईशान की स्टोरी सुनते हुए आ रही थी, देन एक जेंडर में नाम शायद मिस कर रही हूँ, शी वॉज इन मेल बॉडी और फिर वो फीमेल, मोना। वो सब चीजें सुन के ऐसा लग रहा था कि इसमें ह्यूमैनिटी बहुत ज्यादा है। आपको
डिड मूव यू रियली दिल रोने की इच्छा? मतलब ईशान हिलाल हैज रिमेन वन ऑफ माय फेवरेट पॉडकास्ट बिकॉज वो पहले बहुत एक्सप्रेसिव है, वो एज अ पर्सन वो सब कुछ बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है. मैंने बोला अभी चुप कर, अभी पॉडकास्ट सिर्फ आधा घंटे का है, मतलब 3 घंटे तक हम बात कर रहे थे. बट ये पैशन बहुत जरूरी है लाइफ में, एंड आई थिंक लोगों को इंस्पायर करता है जब लोग अगेंस्ट द ऑड्स कुछ करते हैं. और एसेंशियली हमारे पॉडकास्ट बहुत पर्सनल है, हम सारे लोगों के पर्सनल लाइफ्स के भी बात करते हैं. सिर्फ ये क्यों सेलिब्रिटीज के पर्सनल लाइफ्स के बारे में जानना चाहिए हम? यू नो व्हाई नॉट नो अबाउट अ साइंटिस्ट पर्सनल लाइफ, जैसे हमने किया यार, रॉकेट साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट, उनके चाइल्डहुड के बारे में क्यों नहीं बात करना चाहिए हम? तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है हमारे पॉडकास्ट. एक स्टैमरिंग जैसा सब्जेक्ट भी आपने उठाया था जिसमें आदित्य का, अगर मैं बोलूं तो ऋतिक रोशन ने खुद ने एक्सेप्ट बहुत बार किया है कि वो स्टैमर करते हुए हैं. तो ऐसे में एक सेलिब्रिटी के ऊपर प्रेशर तो होता होगा कि इफ यू आर अ हीरो और यू आर अ हीरोइन, आपको परफेक्ट ही होना है. हाउ डू यू डील विद दैट काइंड ऑफ प्रेशर? पता नहीं, मतलब लोगों ने देखा कि कभी कभी मैं फेल किया, you know, कभी कभी हिट फिल्म नहीं देती हूँ, कभी कभी क्रिटिसिज्म भी मिलता है मेरे काम के लिए. तो वो अच्छी बात है, उससे हम सीखते हैं. अगर परफेक्ट रोल किया तो बाद में रिटायर करूंगी और क्या सीखूंगी. तो बहुत जरूरी है कि आप इम्परफेक्ट हो. आई थिंक लाइफ में यही जर्नी है परफेक्शन को पकड़ने के लिए. और I think थोड़ा philosophical है. Nothing wrong in being philosophical. I mean, I would love to. इतने intelligent जब कोई heroine होती है ना, और इतनी अच्छी अच्छी फिल्म जो नेशनली इंटरनेशनली जीत कर लेके आती है, तो इंटेलिजेंस तो एक्सपेक्टेड होता है आपसे. अरे वाह. हाँ, तो आई थिंक वो एक लाइफ टाइम जर्नी है परफेक्शन ढूंढने के लिए. कोई परफेक्ट नहीं है, बट सब यूनिक है, और उसको हमेशा पास में रखना है कि आपका क्या है, जो आपकी कहानी किसी और का कहानी नहीं हो सकता है. और वो कहानी को पकड़ के अच्छे से चूना चाहिए, मतलब अच्छे से निचोड़ कर लेके अंदर जाना है और कुछ उसके साथ कुछ बनना है. आपको किसने इंस्पायर किया है? अगर इन पॉडकास्ट के अलावा भी आपकी लाइफ में बहुत इंस्पिरेशंस रही होंगी. बहुत सारे, आई थिंक क्या मतलब, ऑब्वियसली मेरे ओन, मेरे खुद के पेरेंट्स बहुत इंस्पायरिंग है. मेरे फादर ने स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग, वो फ्रांस से आया था इंडिया तक जी. वो हिच हाइक करके आया था इन द 70s. okay. मतलब पैसा नहीं था, तो वो जब भी ट्रक में या ट्रेन में जो भी मिलता था वो करता था. बीच में काम करता था, वो अफगानिस्तान में रह गया 6 महीने के लिए, वहाँ काम किया. इंडिया में बहुत सारे अलग अलग काम किया, और फाइनली उन्होंने अपने बिजनेस शुरू किया यहाँ के माइक्रोलाइट्स एरोप्लेन्स. तो वो इंस्पायरिंग है मेरे लिए. आई थिंक बहुत सारी चीज जो हम पढ़ते हैं वो भी इंस्पायरिंग है. कभी कभी एक ट्रू स्टोरी पढ़ते हैं. आई जस्ट रेड लेनर्ड कोहेन्स ऑटोबायोग्राफी. यू नो, जब हम पढ़ते हैं तो एक आई डोंट नो, यू गेट अ लिटिल मोर सीख पार्ट. हाँ, बट यू गेट अ वेरी डिटेल्ड version of someone's life, you know. So you get to see a lot inside their personal life. I think any female because you being I would say Karuna Nandi. She's a women's rights lawyer from Delhi, and her work has been amazing over the years. I remember once she asked me to sign a woman manifesto instead of a manifesto. Oh, lovely. And that is how I got to know her. And she's now a single mom. She had a baby through artificial insemination. Okay. And she's in her 40s and she's a single mother, and I find that also very inspirational. And she didn't wait for a man. Uh-huh. She wanted to have a child and she did it.
दैट्स रियली लवली. फिल्मों की बात करते हैं, बहुत सारी फिल्में आपको जिंदगी में आपको पसंद किया गया. कबीरा वाले सॉन्ग का पूरी कहानी आपकी वो दोस्ती पर घूमती फिरती है. बहुत बार ऐसा आपको मिस किया जाता है मसाला फिल्मों में. क्या मिस करती हूँ? आई थिंक एक बार मुझे एक रोम कॉम करना चाहिए. एक बार जहाँ मुझे एंड में वो बंदा मिलता है, इंस्टेड ऑफ किलिंग हिम और बीटिंग हिम अप, जस्ट समथिंग पॉजिटिव. आई लव, आई थिंक आई वुड डू अ फन रोम कॉम होपफुली वन डे. एंड इवन एट द सेम टाइम जैसे आप मिस कर रही हैं वैसे दर्शक भी मिस करते हैं. इतना अच्छा एक्टिंग करती हैं, इतना अच्छा है, तो क्यों ऐसी जॉन इब्राहिम के साथ ऐसे भागते हुए या फिर यू नो टाइगर श्रॉफ के साथ ऐसे कुछ गाने वाने गाते हुए क्यों नहीं मिलते हमको ये? सो देख, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट देम? व्हाट कैन आई से? आई हैवंट बीन ऑफर्ड. Oh, those roles. So maybe then सबको बताना पड़ेगा कि she is open, she is there. Please take her because people want to see her. Yeah. I want to do an action film where I'm like you know doing some kung fu and all. That'll be nice. Next to Tiger Shroff, you know, the two of us are like an action team. We're so cool. I mean, thank John Abraham ki baat kar rahe to abhi recently I met him for an interview. He said ki actors are just not actors, not just for ramp walk or for acting. They are also role models and wo thought provoke karte hain. I think females mein aise log aajkal aate hain. Phir bhi kam milte hain. Do you agree or do you want to do something? I think wo dheere dheere ho raha hai. I think, you know, we've seen Deepika talk about depression. Alia Bhatt is very environmentally conscious, you know, and when you have these big stars talking about these things, then people listen. It's true. जैसे कि Pink में अमिताभ बच्चन देखने की वजह से लोगों को कुछ समझ में आया women's rights के बारे में. So कभी-कभी वो बहुत जरूरी है, I think. But at the same time, अगर आप खुद उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं तो सिंपली बोलना कोई फायदा नहीं है. आई थिंक एज अ सेलिब्रिटी आपका जिम्मेदारी है, बट आपको पर्सनली इन्वॉल्व होना चाहिए. अगर आपको उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से मालूम है, अच्छे से बात कर सकते हैं, तब बात करना है. तो ऐसा कोई टॉपिक्स इन दिनों आपको दिखाई दे? वैसे तो आप कई बार जुड़ी हैं लोगों के सामने, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक जो आपको दिल से बहुत मूव करता है कि अरे ये क्यों है, ये तो नहीं होना चाहिए? बहुत बार बात किया है उसके बारे में. वुमेन्स एम्पावरमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मैं देखती हूँ कि अभी भी सेफ्टी नहीं है औरतों के लिए हमारे देश में, और अभी भी फीमेल इन्फेंटिसाइड है, अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. ऑब्वियसली अभी थोड़ा बदल रहा है, गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन हो रहा है, लेकिन बॉय चाइल्ड का एजुकेशन ज़्यादा नहीं हो रहा है. आई थिंक साथ साथ में वो भी होना चाहिए कि हमारे बॉयज़ का जेंडर सेंसिटाइजेशन सीखना है जी बचपन से, कि हम दोनों बराबर है, आप भी चाय बना सकते हो घर में, मम्मी को हेल्प कर सकते हो, ये सारी चीज़ भी बताना चाहिए. तो आपको लगता है कि ये चीज़, ये तो सर्टनली है, लेकिन बाहर के कई देश ऐसे हैं जहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें देखना मिली है और वो अब्जॉर्ब होना चाहिए टॉपिक्स रिलेटेड? मतलब समझ नहीं आप बाहर जब जाती हो तो शायद जो जेंडर वाली आप बात करते हैं कि इक्वल होना चाहिए, शायद आपको कहीं कोई देखना मिला हो, शायद कोई एक रोल कंट्री आपको देखने में ऐसी कोई चीज़ इंस्पिरेशन देता है, कोई कंट्री आपको, कोई कंट्री जी जहाँ घूमी हो, देख कर आई हो, या फिर आपको लगा कि हाँ ये तो सही है, ये मेरे देश में क्यों नहीं है? नहीं, आई थिंक पूरी दुनिया में ये जेंडर का प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में है. हॉलीवुड में देखते हो तो अभी भी हीरो हीरोइन का सेम कहानी है कि हीरो सब हीरोइन को बचाता है और हीरोइन बेचारी कुछ नहीं कर सकती है अपने आप के लिए. ये जो कहानी हम कब से बोल रहे हैं दुनिया में, वो बदलना चाहिए कि हीरोइन भी खुद अपनी हीरोइन बना सकती है. है ना? तो पूरी दुनिया में बदलना चाहिए. इनफैक्ट अभी तो इन दिनों बहुत सारी ऐसी फिल्म्स भी आई हैं, चाहे मिशन मंगल की मैं बात करूं, जहाँ पे फीमेल को भी उतना ही स्ट्रांग दिखाया गया. कोई एक ऐसी हीरोइन जिसने आप शायद पर्दे पर या पर्दे के पीछे आपको बहुत इंस्पायर किया हो? आई थिंक दीपिका ही ऐसे किया. मतलब वो ऑफ स्क्रीन भी बहुत
रिस्पॉन्सिबल है काम, यू नो, काम के बारे में और कैसे बोलती है. आई डोंट नो, आई थिंक देयर्स लॉट्स ऑफ पीपल डूइंग ग्रेट वर्क. क्वीन, आई लव्ड क्वीन एज अ कैरेक्टर दैट कंगना प्लेड वाज सो एम्पावरिंग फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन. आई थिंक देयर आर मेनी मेनी वुमेन डूइंग फैंटास्टिक वर्क. There's, I'm going blank now. Okay, no problem. Many. I know, that's nahi samajh mein aata hai ki kya jawab do. Yeah. But there are, right? I'm trying to think. You know, actresses like Taboo, who've always done very strong roles. Strong. And even now, you know, she's always doing something a little strong. But are you happy with the kind of 370 chala gaya hai ya phir abhi UT bana diya gaya hai, Jammu and Kashmir and Ladakh? That I'm not so happy with, just because of the way that it has happened. Mm-hmm. In the sense ki abhi hum we've not heard from Kashmir, the people of Kashmir, and I personally have interviewed someone for one of my podcasts from Kashmir. Ji. I think it's really, you know, if it's really important that we include their opinions if we consider them a part of our country. You cannot force freedom on people. Oh, lovely. They have to want it. Lovely. And how do we make them want it? How do we make people want freedom? It's by being more responsible, more giving more jobs. So I think saath saath is revoking ke saath saath kuch changes Kashmir mein aana chahiye, aur wo hum abhi tak nahi dekh rahe hain. Abhi tak bahut cut off lag raha hai, aisa lag raha hai ki Kashmiris aur Indians separate hai. Okay, so do you think any positivity should be coming in? Kis tarike se aa sakti hai? I hope so. I hope ki और भी लोग कश्मीर को विजिट करेंगे जी. और भी लोग वहाँ देखेंगे कि सिचुएशन कैसा है ऑर्डिनरी लाइफ के लिए, और कश्मीरीज भी यहाँ वेलकम है और काम यहाँ भी करें. वो बैक एंड फोर्थ होना चाहिए. अगर इंटरनेट भी नहीं है कैसे हो सकता है? अगर बेसिक कम्युनिकेशन नहीं है तो कैसे हो सकता? चलिए एक बार फिर फिल्मी दुनिया और आपकी पॉडकास्ट की दुनिया में लौटते हैं. सेकंड सीजन जब आ रहा है तो इसमें अब लोग क्या दिल थाम कर बैठे कि और क्या क्या सुनने मिलने वाला, देखना क्या पॉडकास्ट में? नेक्स्ट सीजन, आई एम टॉकिंग सीजन टू पॉडकास्ट में. काफी फार एंड वाइड गए हम. वी हैव बीन टू नागालैंड, वी हैव बीन टू चेन्नई, वी हैव बीन, यू नो, टू parts of UP, we've been in Bombay, so बहुत सारी जगह में गए हैं और बहुत unique stories है. We've had scientists doing nanotubes, we've had a woman who's a drag king and performs in men's costumes, we've had a artist, she's working with child trafficking and missing girls all over India, and through art teaching kids about that. We've had so many very very different walks of life. We've had a police officer, female police officer. Oh, nice. So yeah, it's really exciting. A Kashmiri rapper. Yeah. Oh, great. Yeah. So ab aage aane wale din mein koi films kahan aap dikh rahi hain, aur jaise bolte hain पैरेलल फिल्म तो नहीं कहते हैं लेकिन लिटिल मोर सेंसिटिव टाइप फिल्म एंड मसाला फिल्म्स, दोनों में आप कहाँ कहाँ दिखने वाली हैं? अभी तो कोई प्लान नहीं है क्योंकि मेरा प्लान है 3 महीने के लिए मैटरनिटी लीव पे जाऊंगी बच्चे के लिए. उसके बाद देखता अभी क्या है. थोड़ा सा बताना चाहेंगे उसके बारे में, क्योंकि वो मैटरनिटी की बात सुन के ना बोल के आपके गाल में थोड़ी सी कुछ अलग चमक आ गई है. एक्साइटिंग रोल है मदरहुड. पता नहीं यार, पहली बार कर रही हो, देखते हैं कैसा होगा. सो फार सो गुड. बहुत ऑलरेडी प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीजें अंदर से चेंज हो रहे हैं, ऑब्वियसली फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली. आपका अवेयरनेस बदलती है, आप
आप सोचते हो आपके बारे में और आपके बच्चे के बारे में, बट ऑल्सो दुनिया के बारे में, कैसे ये बच्चा इस दुनिया में निकलेगा और क्या है इस दुनिया के फ्यूचर, तो ये सब चीज़ें भी शुरू हो जाते हैं ना जब बच्चे हैं. दैट्स ब्यूटीफुल. आई थिंक मदरहुड थोड़ा सा ना एक औरत को खूबसूरत से और खूबसूरत बना देता है, बिकॉज उस समय फिर आप अपने लिए नहीं एक बच्चे के लिए भी जी रहे होते हैं. हाँ बिल्कुल. जब मैं ट्रैफिक क्रॉस करती हूँ ना, रोड क्रॉस करती हूँ, ज्यादा सोचती हूँ. पहले तो मतलब टैक 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 ऐसे क्रॉस करती थी, वेट करती हूँ. तो एक जाते जाते मुझे बताते चाहिए कौन सी खूबसूरत दुनिया देना चाहती हैं, एटलीस्ट आप कोशिश करेंगे अपने बच्चे को कि ये ऐसी दुनिया तो कम से कम मेरे बच्चे के लिए होनी चाहिए. आई थिंक जस्ट अभी बहुत ज़रूरी है एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली में क्या हुआ दिवाली के बाद. और मतलब मास्क पहनने ऐसा कोई बदल नहीं जाएगा, बहुत सारी चीज करना है बदलने के लिए. तो पहले तो अवेयरनेस होना चाहिए, दूसरा तो हम खुद कुछ कर सकते हैं. हम हमेशा सोचते हैं ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी नेबरहुड में अपने दोस्तों के साथ अपनी बिल्डिंग में ही कुछ शुरू कर सकते हैं. आप कचरा को सेपरेट कर सकते हैं, कॉम्पोस्ट कर सकते हैं. 70% हमारे कचरा का 70% बायोडिग्रेडेबल है. बिल्कुल. तो वो अगर अलग से करते थे तो बहुत कम कचरा होगा, और कचरा कम होगा तो मतलब बर्ड्स होगा, पोल्यूशन कम होगा, हमारे समुंदर भी साफ हो जाएगा, इतने सारे चेंजेस हो सकते हैं. वो सब घर में शुरू होता है. चलिए बातचीत करने के लिए शुक्रिया. और चाहेंगे आप जो सपनों का दुनिया देख रही हैं अपनी नई जनरेशन के लिए, वो पूरा हो जाए.